अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक, सेहत याब और अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार होने वाली आलू की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूं। सबसे पहले जी आपने 1/4 कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम कटे हुए प्याजों को इसके अंदर डालना है। पीछे जी बहुत ही जबरदस्त तोप निकली हुई है, मैं कैसे नाल हांडी पका लांगे तो नाल ना तोप सेक लांगे। सर्दियां चे तोप किन्नी अच्छी लगती है, यही गर्मियां चे इन्नी तोप भी इन्नी बुरी लगती है। जेडी सुबह 8 बजे तक चढ़ा हुंदा सूरज सिर ते तो होए तो बाई तोप हुंदी है। अच्छा जी दोबारा चलते हैं हांडी की तरफ। प्याजों पर बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए, जैसे ही जस्ट थोड़ा सा हमने फ्राई करना, जैसे ही कलर आने से पहले की स्टेज होगी ना, आपने इसके अंदर 2 मीडियम कटे हुए टमाटर डाल देने। मिक्स करके आपने साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देना है 1/2 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बड़ी जबरदस्त बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी और मेरी अम्मी की रेसिपी है, तुसी एक दफा ट्राई करना, तुहानू बहुत पसंद आने वाली। 10 सेकंड फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल है 1/2 चम्मच लाल पीसी मिर्च, 1/4 चम्मच पीसा सूखा धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच आपने भुना पीसा जीरा इसके अंदर डालना है। साथ ही साथ आपने पानी डालकर इसको मिक्स करना है और आपने 50% मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसका मसाला रेडी कर लेना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसको बना सकता है। कोई बिगनर है, किसी ने कभी नहीं खाना बनाया तो वो भी इजिली इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कैसे कटिंग की है आलू के। आपने सेम वैसे ही कट करना है, कुछ भी नहीं है। आलू छील कर आपने दरमियान से कट करके आपने ना तो मोटा रखना ना पतला रखना है, बिल्कुल नॉर्मल साइज रखे उसको कट कर लेना है। अच्छा मैंने 2 मीडियम साइज के आलूओं को कट करके 1 कप पानी इसके अंदर डाल दिया है। पतीले पर दे दें ढक्कन और चूल्हे की आंच को कर दें मीडियम। यहाँ पर अब सिर्फ आपने आलूओं को गलाना है। जैसे ही आलू गल जाए आपने चूल्हे की आंच को कर देना है तेज। अच्छा आलू कैसे चेक करना है, आपने एक निकाल के ना चम्मच के साथ कट करके देख लेना या ठंडा करके खा के देख तो आपको पता चल जाएगा ये आलू गला है कि नहीं। आलू मेरे गल चुके थे तो मैंने आंच को कर दिया है तेज और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी हाथ पे रख के मसल के इसके अंदर डालकर अब मैं इसकी करूंगी भुनाई। कसूरी मेथी आपने सिर्फ भुनाई के टाइम डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं कि हांडी ने अपना जो है वो ऑयल छोड़ दिया है। जैसे ही ऑयल छोड़ देता है इसका मतलब ये है कि हमारी 100% जो है वो भुनाई हो चुकी है। अब जी हम इसको गार्निश करेंगे 1/4 चम्मच गर्म मसाले के साथ। साथ ही साथ 2 से 3 मैंने सब्ज मिर्चें कट कर ली थी, वो आपने इसके अंदर लंबी लंबी कट करके डाल देनी है। गार्निश करने का मकसद ये होता है कि हांडी की खूबसूरती को बढ़ाना। 2 से 3 सब्ज मिर्चें कटी हुई डाली हैं, साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाला है। ले जी हमारी बहुत ही जबरदस्त मजेदार लाजवाब हमारी आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है। दोस्तों मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, इंशाल्लाह तुम लोग को जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी सना फूड मीडिया पर। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।